वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी का तड़का अपने मेज़बान डीजे नुमान के साथ। 12:49 हुआ चाहते हैं हमारे स्टूडियो क्लॉक पे। आप मुझे सुनते हैं हर जुमा की शब 11 से लेकर 1 तक मेरे फेसबुक पे डीजे नुमान से। इसके अलावा जो मेरे प्रोग्राम होते हैं फेसबुक पे, इनको मैं डाउनलोड करता हूँ और मेरा यूट्यूब पे चैनल है शायरी का तड़का, वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि बाद में म्यूज़िक स्ट्राइक की वजह से यहाँ से म्यूट हो जाते हैं प्रोग्राम। जो लोग बाद में सुनना चाहते हैं वो वहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा मेरा एक मेन चैनल है डीजे नुमान के नाम से, जिसके 1200+ सब्सक्राइबर हैं। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ शुरा का कलाम जो रिकॉर्डिंग करके मैं अपलोड करता हूँ वहाँ पे, तो सुनिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी शामिल करता हूँ प्रोग्राम में आतिफ सईद की खूबसूरत सी नज़्म है, और इसी के साथ प्रोग्राम का अहतमाम भी करूँगा। अजब पागल सी लड़की है, अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर रोज कहती है बताओ कुछ नया लिखा। मैं जब भी उससे कहता हूं कि हाँ एक नज्म लिखी है, मगर उन्वान देना है, बहुत बेचैन होती है। वो कहती है सुनाओ। मैं उसे अच्छा सा एक उन्वान देती हूँ, वो मेरी नज्म सुनती है और उसकी बोलती आंखें। किसी मिसरा किसी तशबीह पे यूं मुस्कुराती हैं, मुझे लफ्जों से किरने फूटती महसूस होती हैं, वो मेरी नज्म को अच्छा सा एक उन्वान देती है। और इस आखिरी मिसरा के नीचे एक अदाए बेनियाजी से वो अपना नाम लिखती है। मैं कहता हूं सुनो ये नज्म मेरी है, तो फिर तुमने क्यों अपने नाम से मंसूब कर ली है। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखें मुस्कुराती हैं। बड़ा सादा सा रिश्ता है कि जैसे तुम मेरे हो, इस तरह ये नज्म मेरी है। अजब पागल सी लड़की है, अजब पागल सी लड़की है। जी तो सामीन, ये था आतिफ सईद का लिखा हुआ खूबसूरत सा कलाम, उनकी खूबसूरत सी नज्म थी। अभी प्रोग्राम में आपके पैगामात शामिल करता हूँ कि रफ्ता रफ्ता थम गया मानूस आवासों का शोर, रफ्ता रफ्ता थम गया मानूस आवाज़ों का शोर, दिल में यादें डायरी में फ़ोन नंबर रह गए। अहमद मुश्ताक का कलाम भेजा हमें जुर्कनैन बरसा में। जी बहुत शुक्रिया आपका।